होली आ गई है, इस त्योहार की तैयारी पूरे देश प्रदेश में जोरों शोरों से चल रही है। जहां एक तरफ इस पर्व को लेकर लोग उत्साह में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पर्व त्योहार पर अपने घर से दूर रहकर काम करने वालों की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। प्रवासी लोगों को अपने घर जाने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ट्रेन बसों में टिकट नहीं मिलती, इसी वजह से कई बार लोग टिकट के चक्कर में धोखाधड़ी का भी शिकार हो जाते हैं। दरअसल दिल्ली NCR में रहने वाले दूसरे प्रदेशों में नौकरी पेशा लोग अपनों के साथ होली मनाने के लिए ट्रेन और बस का सहारा ले रहे हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों की भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रेल मंत्रालय की तरफ से की गई व्यवस्था किस तरह से फेल हो रही है। स्पेशल ट्रेनों में रिजर्वेशन की बोगी में खचाखच लोग भरे हुए हैं, पैर रखने तक की जगह नहीं। ट्रेनों के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही अफरा तफरी की स्थिति नजर आ रही है। ट्रेन में बैठ धर्मेंद्र नाम की यात्री ने कहा कि जाने का कोई रास्ता नहीं है, मोदी जी से बोलो और स्पेशल ट्रेन चलाएं। कहाँ जा रहे हो? इलाहाबाद जा रहे हैं, इतनी भीड़ है, बताओ कोई ट्रेन और है नहीं, एक ही ट्रेन में सब भर रहे हैं, ना स्लीपर दे रहे हो। मोदी जी को बोलो दो चार ट्रेन चालू करवाए यहाँ पे, रिजर्वेशन कराए। हाँ, कोई टिकट नहीं मिल रहा, रिजर्वेशन जाने का रास्ता नहीं है। वही गौरव नाम के यात्री ने बताया कि रिजर्वेशन करवाए लेकिन सीट तक जाने का मौका नहीं मिला तो स्लीपर में बैठ गए। रिजर्वेशन करा लिया था, रिजर्वेशन कराए लेकिन अंदर हिलने का मौका ही नहीं मिला तो इसमें आ गए, जनरल सीट में आ गए। अच्छा, उसमें जाने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा, तुम्हारी सीट अलग थी? अलग थी। अब जनरल में जाना पड़ रहा है? जाना पड़ रहा है, एक सीट बंदा ले रखा था तो मैं आ गया कि बोला कि आ जाओ इसी में, तो एडजस्ट करके आ गए। संजय नाम के यात्री का कहना है कि गाड़ी में जगह है ही नहीं तो मिलेगी कैसे? रिजर्वेशन करा रखा था? नहीं। अच्छा, तो आप यहाँ पर रिजर्वेशन वाली बोगी में चढ़े हुए हैं तो कैसे भी मशक्कत करके आप घर जाना चाहते हैं? सर, मशक्कत करके नहीं जाना चाहते हैं, पर जाना तो आदमी चाहेगा ना, यहाँ पे थोड़ी रेस्टोरेंट पे थोड़ी जगह जगह होगी, बैठ जाएंगे। सर, सीट पे बैठना गलत है, जगह नहीं मिल पा रही है। नहीं मिल, नहीं जगह है ही नहीं, गाड़ी मिलेगी कहाँ सर? ये ट्रेन कितनी देर में आई है? अभी हो गए कई मिनट हो गए गाड़ी को आए। इससे बदतर हाल ISBT और अक्षरधाम के पास का है, जहां पर बस से अपने घरों को जाने के लिए सड़क पर हजारों की संख्या में लोग बस का इंतजार कर रहे हैं। ISBT बस स्टैंड के अंदर सरकारी बस और निजी बस दोनों ही खड़ी है, लेकिन सरकारी बस में सवारी कम मिली और निजी बस में छतों पर बैठकर सवारी आ जा रही है। सभी की चाहत यही है कि किसी तरह से ट्रेन में खड़े होने की जगह मिल जाए और वो अपने घर पहुंचकर होली का त्योहार मना सके। बस स्टैंड पर बैठी आयुषी ने कहा कि घंटों से बस का इंतजार कर रहे लेकिन बस ही नहीं मिल रहा। आयुषी, कहाँ जा रहे हो आप? अपने घर गांव जा रहे। आप लोग कितनी देर से यहाँ पे बैठे हुए? और डेढ़ घंटा हो गया। डेढ़ घंटा हो गया है, बस नहीं आ रही है? नहीं। क्या कह रहे हैं ये लोग? अभी तो हमें खुद नहीं पता, हमें तो आए हुए हैं, मैं तो दीदी के साथ आई हूँ अपनी। बस के कंडक्टर का कहना है कि उनके मना करने के बावजूद लोग ऊपर बैठे हैं। तुम्हारी इसी में हो तुम? क्या हो ऐसा? हाँ, क्या बस चालक हो, संचालक हो? क्या है? हेल्पर है, सवारी बैठाने वाले। सवारी यहाँ पे कितनी आप ले जा रहे हो, कितनी लोगों की कैपेसिटी है अंदर बैठाने की? 60। और सवारी कितनी बैठी? 50। 50 50 सवारी है बैठी है। 10 सीट खाली है। ऊपर मजदूर आदमी बैठे हैं, कम पैसों में ऊपर ले जाने के लिए अलाव है? समय बैठे हुए हैं ऊपर ले जाना, इनके मत बैठो, हम तो उतर रहे हैं ना। कहाँ उतर रहे हैं? कई दफा कहते उतरने को, कई बार कहते उतरने को। तो वहीं सुपरवाइजर ने कहा कि बसों के ऊपर बैठे लोगों को रोकने का मेरा काम नहीं। सर देखो, फेस्टिवल लोग जाते हैं और हमारे किसी बस पे नहीं जा रहा। रोडवेज बस पे नहीं जा रहे? रोडवेज बस पे नहीं, देख लिया आप कोई रोडवेज? ये है, अब ये लोग नहीं मान रहे, ये डग्गा मार वाले बहाने, अब इनका मैं जाम खुलवाने आया हूँ, ठीक है सर। और आपको ज़्यादा करना, हमारे आराम से बैठे हैं, कमरे नंबर 3 से पहले। एक बात बताइए, लोकल जो बसें हैं वो अंदर आना अलाउ नहीं है, लेकिन आप लोगों ने कैसे अलाउ किया? नहीं, कौन से सारी बसें अलाउ हैं, कौन सी बसें नहीं अलाउ? सरकारी बस के अलावा अलाउ तो है नहीं? नहीं, सारी बसें अलाउ होते हैं, यहाँ डग्गा मार बसें अलाउ नहीं होती। डग्गा मार बसों से 500 रुपये पर बस लिया जा रहा है? नहीं, कोई नहीं कह रहा है भाई, कोई नहीं कह रहा, यहाँ कुछ नहीं ले रहा। अंदर लोगों ने बोला? अंदर लोगों का कुछ भी कह दे, कहने का जमाना सब। यानी कि ऊपर सवारी आई आपको, मैं आपको दिखाता हूँ, आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं। वो देखिए वो जा रहे हैं बसों में, ऊपर बैठ के जा रहे हैं, जान जोखिम पे लेकर जा रहे हैं। ये पुलिस प्रशासन का काम है,
आपका काम नहीं है? नहीं, हमारा काम आप सुपरवाइजर हैं तो आपका क्या काम है? क्या हम देख लिया, हमारा काम देख लिया, सीटें मुंह में है, डंडा हाथ में। कई बसें बिना परमिट के चल रही है तो कई बसों में जरूरत से ज्यादा सवारियां हैं, यानी रेल यात्रा की तरह बस की यात्रा की व्यवस्था भी काफी हद तक फेल हो गई है। होली जैसा त्योहार जिसमें सब अपने घर जाना चाहते हैं, वहां आने जाने की ऐसी मुश्किलें लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस मुसीबत से निकलने का कोई और रास्ता नहीं।